और खराशे फिर से इसमें रखती। आपको लगता है जैसे भी इज्जत आंखों से चिपक से गए आके बहती रहती है और जख जख मिटते रहते। होती हुई आवाजों की गर्दन से गिरा पता नहीं दर्शन सिंह क्यों पागल नहीं हो गया। बाप घर पे मर गया और मां उस बचे कुचे गुरुद्वारे में खो गई और शाहनी ने एक साथ दो बच्चे जन्म दिए, दो बेटे जुड़वा। उसे समझ में नहीं आता था कि वो हंसे क्या हुए? इस हाथे उस हाथे का सौदा क्या था किस्मत? सुनते थे आजादी आज भी है या आ रही है, टोडर में बूट कब पहुंचेगी पता ही नहीं चलता। हिंदू सिख सब छुपते छुपाते गुरुद्वारे में जमा हो रहे। शाही दिन रात तट से कराती रहती, आखिरी दिन थे चची थी और पहली पहली औलाद। दर्शन सिंह रोज नई नई खबरें लाता
फंसा था तो आप गार्डन से कुछ नहीं होगा बेटा कुछ नहीं होगा वो अभी तक किसी हिंदू सिख के मकान पर हमला हुआ क्या गुरुद्वारे पर तो हुआ है बाबा जी दो बार आ जा चुकी है वो हाँ तुम लोग वहीं जाकर जमा होना चाहते हो इस बात पर दर्शन सिंह चुप हो जाता है पर जिसे देखो वही घर छोड़कर गुरुद्वारे में जमा हो रहा है एक जगह इकट्ठा होने से बड़ा मसला होता है पापा जी अपनी गली में तो कोई हिंदू या सिख नहीं रह गया बस बस हम ही यहाँ अकेले 10-15 दिन की बात रात के वक्त पापा जी के गिरने की आवाज हुई आंगन और सब हो गया दूर गुरुद्वारे से बोले सोनिहार बोले सोनिहार बोले सोनिहार ये नारे सुनाई दे रहे थे पापा जी की उसी से आंख खुल गई और वो छत पर देखने के लिए चले गए लोग छतों पे लदे हुए थे
शाहनी ने अपने दो जुड़वा बेटों को जन्म दिया। लेकिन एक तो बहुत ही कमजोर पैदा हुआ, बचने की भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन शाहनी ने नाभि के जोर से बांधे रखा उसे। उसी रात किसी ने कह दिया, स्टेशन पर गाड़ी तो थी लेकिन गाड़ी में जगह नहीं, छत पर लोग घास की तरह उगे हुए बेचारे। नहीं, वो नजारा, वो नजायदा बच्चों को देखकर लोगों ने छत पर चढ़ा लिया और जगह दी। करीब 10 घंटे बाद गाड़ी में जरा सी हरकत हुई। शाम बड़ी सुर्ख थी, लहू लुहान तपा हुआ तब तबाया हुआ चेहरा, शाहनी की छातियां निचुड़ के छिलता हो गई। एक बच्चे को रखती तो दूसरा उठा ले, मेरे उछेले कपड़ों में दो बच्चों की पोट थी। लगता था किसी कूड़े के ढेर से उठा लाए। कुछ देर बाद जब गाड़ी रात में दाखिल हुई तो दर्शन सिंह ने देखा कि एक बच्चे के हाथ पांव तो हिलते दिखे, कभी कभी रोने की आवाज भी होती, लेकिन दूसरा बिल्कुल साकेत। कोठी में हाथ डालकर देखा तो कपड़ा ठंडा हो चुका,
दर्शन सिंह जो फूट फूट के रोया तो आसपास के लोगों को भी मालूम हो गया। सबने चाहा कि शाहनी से उस बच्चे को ले ले, लेकिन वो तो पहले ही पकड़ा चुकी, टोकरी को झपका मार के बैठ गई। नहीं, भाई के बगैर दूसरा दूध नहीं पीता। बहुत कोशिशों के बाद भी शाहनी ने टोकरी नहीं छोड़ी। ट्रेन 10 बार रुकी, 10 बार चली, लोग अंधेरे में ही अंदाजे लगाते रहे। बाबा जी, गहरा बाल निकल गया, ये तो गुजरा वाला है जी, बस 1 घंटा और लाहौर है समझो, पहुंच गए हिंदुस्तान। इसी बीच में लोग नारे लगाने लगे, हर हर महादेव, जो बोले सो निहाल। गाड़ी एक पुल पर चढ़ी तो लहर सी दौड़ी, रावी आ गई जी, रावी आ गई, रावी आ गई, रावी आ गई, समझो लाहौर आ गया। इसी बीच में दर्शन सिंह के कान में किसी ने फुसा कर कहा, सरदार जी, तो बच्चे को यही फेंक दो और रावी में उसका कल्याण हो जाएगा, और उस पार ले जाकर भी क्या करो। दर्शन सिंह ने धीरे से टोकरी दूर खिसकाई और फिर कच्ची पोटली उठाई और वाहेगुरु कहकर रावी में फेंक दी। अंधेरे में आवाज आई थी बच्चे की रोने की, दर्शन सिंह ने घबरा कर देखा शाहनी की तरफ, तो मुर्दा बच्चा शाहनी से लिपटा हुआ और पसीना, अरे
मछलियाँ। जैसे पति गर्भवती हो तो पति उन दिनों में को अच्छा नहीं लगा कि राम उनकी पत्नी से बात करे, वहीं खड़ा हुआ जब वो नहा रही हूं।
मछली की आवाज में। समझ में आ गया कि कंचन नहाकर लौट चुकी है, अभी थोड़ी देर में प्रसाद मिलेगा, वो हाथ पर नहीं देगी, कहीं हाथ धोकर आओ तो विभूति अपना मुंह खोल देंगे और कंचन प्रसाद मुंह में टपका देगी। और ऐसा ही हुआ, कंचन ने आते ही पूछा, जाकर खिड़की पर खड़े हो गए। और पड़ोसियों के घरों में छानने लगे। कौवा कहीं से गोश्त का टुकड़ा चोंच में दबाए बीच की दीवार पर आकर बैठ गया। दूसरा कौवा आकर पास बैठा, उड़ गया, दोनों उड़ गए। विभूति जी घूम घुमा कर फिर से वहीं आ पहुंचे किचन में। मछली बराबर के पानी में पड़ी हुई, उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ जैसे कुछ बोलने की कोशिश कर रही, और आंखें सचमुच खूबसूरत थी। कंचन ने दांव खींच के पांव तले दबा लिया, मछली निकाली बरात से और उसके चिकने बदन पर हाथ फेरकर पानी साफ किया और फिर कद से तीन हिस्सों में काट दिया। पहले मुंडी काटी, फिर दुम काटी और फिर बीच का हिस्सा लग गया और फिर पेट चीर कर खोल दिया और रात का पानी लाल हो गया। ठीक ही कहा था आपने, गर्भवती थी, देखो कितने अंडे निकले हैं। वेरी लकी, मछली के अंडे तो ठीक से होते हैं, अलग से फ्राई कर लेना। आओ बाबू। अभी दरवाजे पर अखबार वाले की आवाज हुई, अखबार वाला दरवाजे के नीचे से अखबार फेंककर चला गया। विभूति जुट कर अखबार उठा ले। अखबार का फ्रंट पेज शहर के दंगों की खबरों से भरा हुआ, कुछ तस्वीरें भी थी।
कर्फ्यू है, कोर्ट देखने की गोली से उड़ा देने का हुक्म है। कहीं आग लगाने या बॉम्ब फेंकने? तुम किस की बात है यहाँ? किसी का खून किया है? यहाँ करने के लिए चले हो? Thank you.
अपनी बाजी से भी तू निकलेगा तू मत निकालिए थोड़ा थोड़ा देखकर छोड़ी Thank you.
जिसने देखा शक करेगा, वो भी हम आने देख लिए तो बेमुन मारे जाएंगे। चलिए Thank you.
कंचन, यही चांस है मेरा। मेरा नाम गुलाब नहीं, अवतार है जो मैंने झूठ बताया था। मेरा करीब अच्छा होता है गुलाब के साथ। खुदा ने जो याद सुन रही हो, याद रहेगा तुम। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। लाल और हरे में मत बांटो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो।